स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस चैनल पर। तो एमएसए क्लासेस यूट्यूब चैनल जहां 4 साल से झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाता है और नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त आप लोगों का जो लगातार मैसेज और कॉल आ रहा है झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के एग्ज़ाम को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर कि कब तक रजिस्ट्रेशन होगा और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आप लोगों का लगातार मैसेज और कॉल का इस वीडियो के जरिए हम बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लाया है ताकि कुछ सवाल जो आप लोग का है उसका जवाब दे सके। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो चलिए डिटेल्स में सब कुछ बताते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कि सेशन 2021-23 का एग्ज़ाम तो की तैयारी अगर आपको करना है तो हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड की जाती है, आपको पूरी तैयारी करवाया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे यह सेशन 2020-22 का है। इससे पहले भी लगातार हम 4 साल से तैयारी करवा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स 88, 87, 89% तक रिजल्ट लाते हैं। इस बार सेशन 2020-22 में नेहा कुमारी चौहान जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर रचिता कुमारी और तीसरे नंबर पर अरविंद प्रधान जो कि हमारे तीनों स्टूडेंट्स इस बार हमारे एमएसए परिवार के टॉपर है और तीनों को आप लोग रिजल्ट और रीड कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, तो चलिए अब आपको परीक्षा की जानकारी देंगे और रजिस्ट्रेशन कब तक होने की जो संभावना है वो भी आप लोगों को बताएंगे जो कि आप लोगों का लगातार मैसेज भी आ रहा है। बाकी अगर आप झारखंड डीएलएड फाइनल एग्ज़ाम की अभी से तैयारी करना चाहेंगे तो हमारी तरफ से नोट्स प्रोवाइड की जाती है और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है, आपको क्लासेस दी जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे तैयारी करना है, अगर आपको जो भी आपका सवाल होगा आप लोग व्हाट्सएप नंबर 9110-9115-52 पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये भी बता देता है। टोटल 10 पेपर्स का नोट्स मिलेंगे और 10 पेपर्स का आपका वीडियो क्लास भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम ख़त्म होने तक पूरा गाइडेंस किया जाएगा और साथ ही आपको एग्ज़ाम गाइडेंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देंगे जो एग्ज़ाम के टाइम देंगे। और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन अभी 4 साल से अनुभव और एक्सपीरियंस से आप लोगों को दिया जाता है उन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलता है जो कि आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी और आपका रिजल्ट भी बेहतरीन होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर 9110-9115-52 जो कि 9110-9115-52 पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ये आपका नंबर है व्हाट्सएप पर, हमें आपका बस डिटेल दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे जैक डीएलएड सेशन 2021-23 के एग्ज़ाम को लेकर कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है और रजिस्ट्रेशन कब तक होने का है। तो सबसे पहले बात कि देखिए झारखंड में अभी फ़िलहाल कोरोना या लॉकडाउन की वजह से लगभग सेशन 2018-20 से ही सेशन जो है लेट चल रहा है। ऐसे में 18-20 का जो एग्ज़ाम की बात की जाए तो लगभग 4 साल में कंप्लीट हो पाया था और इसके अतिरिक्त आपका जो 2019-21 था वो भी लगभग आपका 4 साल या 4.5 साल तक था। इसके बाद बात की जाए तो एक और सेशन जो कि पिछले साल ही हुआ है, सॉरी इसी साल हुआ है, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और लगभग मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम रिजल्ट भी आ गया था अप्रैल में। तो ऐसे में देखा जाए तो आप लोगों का इस हिसाब से जो है सेशन लेट चल रहा है। लेकिन जहां तक एग्ज़ाम की संभावना है, जैसे कि बीपीएससी यानी बिहार के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज आता है कि सर हम लोग को बीपीएससी में मौका नहीं मिलेगा अगर अगस्त से पहले या किसी भी जो डेट निर्धारित की गई है बीपीएससी की तरफ से तो उसमें हम लोग को मौका नहीं मिलेगा अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाती है। तो देखिए ये सभी चीज़ जो है जैक बोर्ड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर संभावना की बात की जा रही है तो देखिए यहाँ पर 12वीं, 11वीं या 9वीं झारखंड में जितना भी एग्ज़ाम होना था, रिजल्ट होना था, सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। और इसके अतिरिक्त जो और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे मध्यमा मदरसा की एग्ज़ाम भी, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे में आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द होने की संभावना है, लगभग मान के चलिए कि ये तो जुलाई है और अगला है अगस्त महीना। लेकिन अगर बात की जाए एग्ज़ाम को लेकर तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि एग्ज़ाम आप लोग का इस महीने तक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम होने में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है। बाकी अगर जैक बोर्ड पर डिपेंड करता है कि जैक बोर्ड अगर यानी झारखंड बोर्ड अगर चाहे तो एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अगस्त से पहले अगर एग्ज़ाम को लेकर तो ये तो आपका जुलाई चल रहा है और जुलाई के बाद आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लगभग एक महीना अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि रजिस्ट्रेशन के एक महीने बाद ही आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है।
तो इस बात से आप लोगों को बस जानकारी देना है कि आप लोगों का जो लगातार मैसेज और कॉल आ रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा वो जैक बोर्ड पर ही डिपेंड है। अब अगस्त में हो या जुलाई में हो या सितंबर अक्टूबर में हो, जब भी होगा जैक बोर्ड पर ही डिपेंड है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर जैक बोर्ड चाहे तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। बाकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लगभग 1 महीने बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम देखने को मिला है हर बार। तो ऐसे में ये जुलाई महीना है, अगर इस महीने के 15 या 20 तारीख तक या फिर इस महीने के लास्ट तक भी अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आप लोग का अगस्त से पहले एग्ज़ाम होने की संभावना, यानी अगस्त ख़त्म होते होते आप लोग एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर ये महीना भी पार हो जाता है तो फिर कहना मुश्किल है। बाकी आप लोग जो है जैक बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के जरिए मुझे बस इतना आप लोग बताना है कि जो भी एग्ज़ाम कराना होगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा वो जैक बोर्ड पर ही डिपेंड करता है। जब तक जैक बोर्ड की तरफ से किसी तरह का ऑफिशियल नोटिस या फिर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि एग्ज़ाम की, तो ऐसे में जो सेशन लेट चल रहा है इस वजह से जो है यहाँ पे देरी हो रहा है आप लोगों का।